समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। खबर है कि कांग्रेस उज्जवल रमन सिंह को उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उज्जवल रमन सिंह के पिता रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। यानी पिता समाजवादी पार्टी का हिस्सा है और बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस का हिस्सा बन गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और खबर है कि उज्जवल रमन सिंह को उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनके पिता और समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमन सिंह भी प्रयागराज से दो बार सांसद रह चुके हैं। 2004 में तो उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी तक को हरा दिया था। 2009 में भी उन्होंने प्रयागराज सीट से ही जीत हासिल की थी और उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह का प्रयागराज से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है। प्रयागराज सीट का नाम 2018 से पहले इलाहाबाद था और इस सीट पर लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह और जनेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेता जीत चुके हैं, लेकिन जिसने इलाहाबाद में जीत का रिकॉर्ड बनाया था वो थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अच्छे दोस्त थे और राजीव गांधी ने 1984 में इलाहाबाद सीट पर अमिताभ को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कांग्रेस इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नामांकन से 24 घंटे पहले ऐलान किया था कि इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ेंगे। राजीव गांधी के इस चौंकाने वाले ऐलान ने इलाहाबाद सीट पर पूरा माहौल ही बदल दिया था, क्योंकि 38 साल पहले कांग्रेस ने इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था और अमिताभ ने भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। नामांकन के अगले ही दिन उन्होंने रोड शो किया था और कहते हैं कि रोड शो के दौरान गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए थे और अमिताभ बच्चन के लिए अपना समर्थन दिखाया था, क्योंकि ये वो वक्त था जब अमिताभ सुपरस्टार थे, लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। कहते हैं कि अमिताभ के रोड शो में उनके भाई अजिताभ और पत्नी जया बच्चन भी थी, लेकिन सबकी निगाहें केवल अमिताभ पर टिकी थी। तब के अखबारों में लिखा गया था कि अमिताभ की दीवानगी ऐसी थी कि उनके रोड शो के दौरान लोग उन्हें छूने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ते थे। कहते हैं कि अमिताभ की एक झलक पाने के लिए ही सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी और ऐसा केवल पहले रोड शो में ही नहीं हुआ, बल्कि इलाहाबाद की सड़कों पर जब जब अमिताभ का काफिला निकला था लोगों में जबरदस्त दीवानगी नजर आई थी। लेकिन इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने उतरे अमिताभ के विरोधी कहते थे कि भीड़ केवल उन्हें देखने इकट्ठा हुई थी, क्योंकि वो सुपरस्टार थे और लोगों में उनका जबरदस्त क्रेज था। 1984 के उस लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन का सामना लोकदल के प्रत्याशी हेमवती नंदन बहुगुणा से था और हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाते थे और अमिताभ का सामना राजनीति के उस धुरंधर खिलाड़ी से था। उन्हें हेमवती नंदन बहुगुणा के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ तीखी कैंपेनिंग की थी और तब के पत्रकार बताते हैं कि अमिताभ की रैलियों से पहले उन्होंने उनके खिलाफ पोस्टर लगवा दिए थे और उन पोस्टरों पर लिखा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यही नहीं, अपनी रैलियों में उन्होंने अमिताभ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां तक कर दी थी और तो और हेमवती नंदन बहुगुणा के चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ के खिलाफ कई तरह के नारे भी बनाए गए थे जो उनकी रैलियों में गूंजा करते थे और उन नारों में एक था, सरल नहीं संसद आना, मारो ठुमका गाओ गाना। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ये नारा हेमवती नंदन बहुगुणा की रैलियों में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और नारे की भी खूब चर्चा थी और वो नारा था, दम नहीं पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में। हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे और इलाहाबाद में उन्हें हराना मुश्किल माना जाता था और इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था, इलाहाबाद का चंदन हेमवती नंदन। यानी हेमवती नंदन ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ नारों को अपना हथियार बनाया था और अमिताभ बच्चन के खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने लोगों के सामने इलाहाबाद में किए गए कामों का हवाला दिया था। कहते हैं कि ये बातें इलाहाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के कानों तक भी पहुंची थीं। और तब के पत्रकार बताते हैं कि अमिताभ और जया बच्चन ने उसी हिसाब से चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की थी और दोनों अलग अलग चुनाव प्रचार करने जाते थे। तब के अखबारों में लिखा गया था कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अलग अलग गाड़ियों से प्रचार करने निकलते थे और सिर पर पल्लू डाले जया बच्चन इलाहाबाद के अलग अलग मोहल्लों में जाकर अमिताभ बच्चन के लिए वोट की अपील करती थी। कहते हैं कि इस दौरान जया बच्चन के सिर से उनका पल्लू नहीं गिरता था और वो खुद को इलाहाबाद की बहू बताकर लोगों से वोट की अपील करती थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के ही रहने वाले थे और इस नाते से उन्होंने खुद को इलाहाबाद की बहू बताया था। तब के अखबारों में लिखा गया था कि जया बच्चन ने बहू के रिश्ते से मुंह दिखाई में इलाहाबाद के लोगों से अमिताभ के लिए वोट मांगे थे और उनकी इस अपील का असर भी दिखा था, क्योंकि कहते हैं कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन के लिए चुनाव प्रचार करने तब उतरी थी जब उन्हें लग रहा था कि अमिताभ बच्चन चुनाव में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि तब के अखबारों में लिखा गया था कि अमिताभ बच्चन चुनाव प्रचार के दौरान दो चार लाइनें ही बोल पाते थे। लेकिन तब के पत्रकार बताते हैं कि जया बच्चन की इलाहाबाद के लोगों से वोट की अपील ने हवा का रुख ही बदल दिया था और अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता को हरा दिया था। यही नहीं, उन्होंने इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना दिया था।
क्योंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन हेमवती नंदन बहुगुणा से करीब 187,000 वोटों से जीते थे और इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना लिया था। कहते हैं उस वक्त वोटों की गिनती के दौरान जब बैलेट बॉक्स खुला था तो कुछ बैलेट पेपरों में लिपस्टिक के निशान भी मिले थे और इस तरह के बैलेट पेपर की संख्या 1-2 नहीं बल्कि करीब 4,000 थी और चुनाव आयोग ने उन्हें रद्द कर दिया था। यानी अमिताभ के पक्ष में पड़े 4,000 वोटों को गिना ही नहीं गया था। इसके बावजूद उन्हें 3,00,000 के आसपास वोट मिले थे और उन्होंने जीत का इतिहास रच दिया था। लेकिन इस जीत के 3 साल बाद विपक्ष ने उनका नाम बोफोर्स घोटाले में लेना शुरू कर दिया था और ऐसा अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती की वजह से कहा गया था। और कहते हैं इसी के बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा मांग लिया था और 1987 में अमिताभ ने राजनीति को अलविदा कह दिया था। इसके बाद 1988 में इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ और 1988 में इलाहाबाद से हुए उपचुनाव में वीपी सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को हराया था। लेकिन वहां सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अमिताभ के नाम ही रहा, क्योंकि अमिताभ बच्चन से पहले और अमिताभ बच्चन के बाद कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं को वहां से मैदान में उतारा था। वो जीते भी थे लेकिन अमिताभ जैसी जीत उन्हें नहीं मिली। इलाहाबाद सीट का नाम 2018 में प्रयागराज कर दिया गया और इस सीट पर कांग्रेस 7 बार जीत हासिल कर चुकी है और कई बड़े नेता यहां से जीत कर संसद पहुंच चुके हैं। 1957 और 1962 में तो इलाहाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी जीत चुके हैं। 1988 के उपचुनाव में वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह निर्दलीय सांसद चुने गए थे और इसके बाद साल 1989 में जनता दल के जनेश्वर मिश्रा ने वहां जीत हासिल की थी। यानी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट हमेशा से हॉट सीट रही। इस सीट का नाम 2018 में प्रयागराज कर दिया गया था। 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक है फूलपुर और दूसरी है प्रयागराज। प्रयागराज लोकसभा सीट की सीमा उत्तर में प्रतापगढ़, पूर्व में संत रविदास नगर और पश्चिम में कौशाम्बी से लगती है। दक्षिण में इसकी सीमा मध्य प्रदेश के रीवा से भी जुड़ी है।